सुजुकी की एवरी वैगन। जब इसको लेफ्ट साइड से इसको ओपन किया जाता है तो यहाँ से एक स्टेप बाहर आता है जिसको ऊपर फैमिली कार के तौर पे भी बेहतरीन है, इसमें काफी लोग आ जाते हैं, लेकिन ये उससे भी ज्यादा खुली है। आप देखें पूरी बाजू यहाँ पे मेरी जोन सी है, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है ये, तो इसमें सामान वगैरह बहुत ज्यादा आ सकता है। और इसको आगे करके तो ये होगी इजिली नीचे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमर। और नाज़रीन आज मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी गाड़ी जो पाकिस्तान में बड़ी पॉपुलर है, मुझे बहुत सारी उसकी रिक्वेस्ट भी आई हुई थी, तो फाइनली वो मुझे नज़र भी आ गई, तो मैं सोचा आज उसका मैं रिव्यू बनाता हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ये है सुजुकी की एवरी वैगन। तो इसे देखना शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ये है सुजुकी की एवरी वैगन और 2018 का मॉडल है। इसकी डिटेल्स मैं सारी आपको बताऊंगा वीडियो में। जापान की जो प्राइस भी होगी, जो ऑक्शन की प्राइस है, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। तो इसको हम पहले आराम से देखते हैं। ये है इसकी फ्रंट से शेप। तो बहुत ही पॉपुलर कार है ये, पाकिस्तान में भी इसका नाम बहुत ही मशहूर है, यकीनन आप इसको जानते होंगे। फिर ये है इसके टायर 14 इंच के। तो ये है इसकी साइड से लुक। इसके डोर मिरर, तो यहां पे पेट्रोल डालने की जगह है इसकी। फिर स्लाइड डोर दिया हुआ है जो कि ऑटोमेटिक है। तो गाड़ी को अंदर से हम लोग बाद में देखेंगे आराम से। ये देखिए कितना बेहतरीन इसको स्लाइड डोर दिया हुआ है। फिर ये है इसकी बैक से लुक। यहाँ पे एक स्पॉइलर आता है इसमें। एवरी वैगन, तो इसका बैक डोर कैसे खुलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसको हाथ से यू खोलना होता है, ये बहुत स्मूथ है। तो ये हो गया बंद। तो आप देख सकते हैं जब इसको लेफ्ट साइड से इसको ओपन किया जाता है तो यहाँ से एक स्टेप बाहर आता है जिसको ऊपर आप इजिली पाँव रख के इस पर चढ़ सकते हैं। तो ये इसमें बहुत ही कमाल की चीज़ है इसके अंदर, और स्टेप के ऊपर इतना वजन आ सकता है कि एक अडल्ट आराम से इसके ऊपर चढ़ सकता है। और ऐसे भी नहीं कि ये हिलता है, कोई ऐसा हिलने का भी कोई चक्कर नहीं। तो ये ज़बरदस्त इसके अंदर ये सिस्टम दिया हुआ है, तो बहुत ही मुनासिब इसका साइज़ है। फैमिली कार के तौर पे भी बेहतरीन है, इसमें काफ़ी लोग आ जाते हैं। पाकिस्तान वगैरह में तो अक्सर इसमें जो सी है बैक सीट एक ऐड कर दी जाती है और वहाँ पे और भी पैसेंजर बैठ सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट वगैरह के काम के लिए भी बहुत ही खूबसूरत कार है। ड्राइव भी इसकी बहुत कम्फर्टेबल और ज़बरदस्त इसकी ड्राइव होती है। तो अब हम इसे देखना शुरू करते हैं अंदर से और मैं आपको गाड़ी की डिटेल बताता हूँ। तो नाज़रीन ये है इसकी लुक अंदर से, और इसकी जो ऑक्शन शीट है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले हम इस कार को अंदर से देख लेते हैं आराम से। तो ये इसका स्टीयरिंग, और यहाँ पे है स्टार्ट। तो स्टार्ट, और ये है इसका मीटर। इसमें ब्लू लाइट दी हुई है, सिंपल है लेकिन खूबसूरत है। फिर यहाँ पे ड्रिंक रखने की जगह है, और ड्रिंक के नीचे देखें कितने सारे यहाँ पे बटन बने हुए हैं। तो यहाँ से आप दोनों साइड के आप डोर ऑटोमेटिक ओपन कर सकते हैं। तो देखिए डोर हो गया ओपन, और यहाँ से वापस क्लोज भी किया जा सकता है। तो
फिर ऑटो स्टेप जो है यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और बाकी भी देखें ऑप्शन है इसके अंदर। इस कार के अंदर अभी नेविगेशन या ऑडियो वगैरह कुछ भी फिट नहीं है, तो ये कार ऑक्शन में थोड़ी सी सस्ती आ सकती है। अगर इसमें नेविगेशन वगैरह लगाओ तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। ये है इसके एसी के बटन वगैरह, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सारे हैं इसके अंदर ऑप्शन। सिंपल कार है लेकिन बहुत ही डिसेंट और बड़ी प्यारी कार है ये। यहाँ पे एक एयरबैग आता है, और नीचे यहाँ पे थोड़ी सी सामान रखने की जगह है, फिर ये छोटा सा एक बॉक्स बनाया गया हुआ है जहाँ पे सामान रख सकते हैं। यहाँ पे भी ड्रिंक आती है, और इस कार के अंदर ये भी एक सॉकेट लगी हुई है, और ये सॉकेट जो सी है ये ड्राइव रिकॉर्डर के लिए अभी देखें लगाई हुई है। यहाँ पे भी ड्राइव रिकॉर्डर है, और ये बैक पे भी इसके कैमरा है। ऊपर देखें यहाँ पे बॉक्स है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, जिस तरह वो एयरप्लेन के अंदर नहीं होता बॉक्स, उसी तरह का उसमें छोटा साइज यहाँ पे बनाया गया हुआ है। फिर यहाँ पे भी यहाँ पे आप ऐनक रख सकते हैं। फिर ये इसकी लाइट, ये काफ़ी ह्यूज बनाया हुआ है, और इसके पीछे यहाँ पे मिरर है, लेकिन मिरर में लाइट नहीं दी गई। इस साइड पे भी मिरर है, और इस साइड पे भी लाइट तो नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए एक स्पीकर, और यहाँ पे एक स्पीकर आता है। फिर यहाँ पे नीचे भी बॉक्स दिया हुआ है सामान रखने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ऑक्शन शीट। 2018 मार्च का ये मॉडल है, एवरी वैगन ABA-DA17W इसका चेसिस है। इसका ग्रेड जो सा है PZ हाई रूफ टर्बो स्पेशल है, ये 660cc की ये गाड़ी है। चली जो सी है 34,168 किलोमीटर ये सिर्फ चली हुई है। पेट्रोल में ये कार है, ऑटोमेटिक कार है। ऑक्शन में इसे जो से है 5 पॉइंट दिए गए हुए हैं, अंदर से ये ए है इसे मिला। बहुत साफ सुथरी अच्छी कार है, देखिए इसके ऊपर स्क्रैच वगैरह भी डैमेज वगैरह भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। बिल्कुल छोटा सा एक यहाँ पे डैमेज है, यहाँ पे लगाया हुआ कि तिनका जितना छोटा सा यहाँ पे स्क्रैच है, बाकी ये लिखा हुआ कि फ्रंट स्क्रीन के ऊपर छोटा सा कहीं पे एक डेंट होगा। यहाँ पे तो फ्रंट स्क्रीन पे मुझे इस तरह वाजिया तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, और इसे यकीनन ढूंढना भी मुश्किल है। बहुत छोटा सा यहाँ पे एक डेंट है यहाँ पे। उसके अलावा इस कार के अंदर कोई मसला नहीं है, बेहतरीन कार है। इसकी प्राइस में आज की ऑक्शन की जो सी प्राइस है मैं अपनी वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि ये कार जापान के ऑक्शन में आज कितने की सेल हुई थी। रेडार ब्रेक स्पोर्ट है इसके अंदर, और दोनों साइड इसकी पावर स्लाइड डोर है। ऑटो स्टेप भी इसके अंदर लगा हुआ है जो मैं आपको दिखाया था, और आगे पीछे दोनों तरफ ड्राइव रिकॉर्डर इसके लगा हुआ है। स्मार्ट की है इसकी, और ये पुश स्टार्ट है। HID इसकी हेडलाइट है, फॉग लाइट है इसके अंदर, बैक कैमरा भी इसके अंदर लगा हुआ है, रियर स्पॉइलर भी है इसके अंदर। देखिए इतने सारे इसके अंदर ऑप्शन है, तो आप गेस करें कि कार कितने की होगी, और मैं बाद में आपको इसकी प्राइस बताता हूँ। तो अब देखते हैं इस कार की सीट्स वगैरह। इसकी सीट जो कि कपड़े की बनाई गई हुई है, इसका अंदर का कलर बहुत प्यारा है, आमतौर पर ब्लैक वगैरह होता है, लेकिन ये बेज सा कलर है, तो ये इस कार की खूबसूरती है। और यहाँ पे आर्म रेस्ट आता है, अंदर से कार बड़ी ही प्यारी बनाई हुई है। तो अभी मैं आपको बैक से भी दिखाता हूँ, बैक पे इसकी कितनी स्पेस है। तो इस साइड पे जौन सा है यहाँ पे स्टेप नहीं दिया गया हुआ, तो ये देखें ये है इसकी बैक सीट जहाँ पे बहुत सारी स्पेस है, काफ़ी खुली ये कार है। तो हम बैठ के देखते हैं, ये देखें। अभी कल ही मैंने दाएं हाथ की मूव कस्टम अपलोड की थी, उसमें मैं बताया था कि उस कार की सीट बहुत ही खुली थी, कंफर्टेबल थी, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा खुली है। आप देखें पूरी बाजू यहाँ पे मेरी जो सी है इसकी स्पेस में आती है, इतनी खुली इसके अंदर स्पेस है। आप इस सीट को यूँ आगे भी कर सकते हैं, और आगे यहाँ तक है, ये मैं अभी फुल आगे की है, फिर भी इसके बाद कितनी स्पेस है इसके अंदर। तो मैं दोनों सीट्स को आगे करके, तो उसके बाद मैं आपको पीछे की स्पेस दिखाता हूँ। देखें दोनों सीट्स अभी मैं फुल आगे कर दिए जो मिडल वाली हैं, उसके बावजूद इसके अंदर देखें कितनी स्पेस है। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं अब इसके बैक पे कितनी स्पेस बाकी बच जाती है। तो ये देखें उसके बावजूद देखें कितनी स्पेस है यहां पे सामान रखने के लिए। तो इस कार में इजिली 6-7 लोग तो आराम से आ सकते हैं, मेरे ख्याल से 8 लोग आ सकते हैं। अगर यहाँ पे आप एक और सीट ऐड कर लें तो यहाँ पे इजीली 8 लोग इस कार के अंदर आ सकते हैं, इतनी जगह। और 660 cc की ये कार है, देखें
फिर यहाँ पे भी एक सॉकेट दी हुई है, फिर यहाँ पे भी पॉकेट्स हैं जहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ से इसको खींचना है और यहाँ से इसे होल्ड करना है, तो आपकी सीट जो सी है ये आप देख सकते हैं ईजिली बहुत ही आराम से आसानी से ये नीचे चली जाती है। तो आप इसकी स्पेस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है ये, तो इसमें सामान वगैरह बहुत ज़्यादा आ सकता है क्योंकि जगह बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर दोनों को डाउन कर दिया जाए तो कितनी ह्यूज यहाँ पे स्पेस है। तो दोबारा करके देखते हैं, देखें यूँ गिराया और इसको खींचना है और इसको आगे करके तो ये होगी इजिली नीचे। तो नाज़रीन ये थी एवरी वैगन 2018 मॉडल। अब हम चलते हैं ऑक्शन की तरफ और देखते हैं ये कार आज जापान में कितने की सेल होती है, तो चलें फिर ऑक्शन की तरफ। तो नाज़रीन आज के ऑक्शन में इसकी बिड प्राइस थी 128500, फिर उसके बाद जापान का टैक्स लगता है, रिसाइकलिंग फ़ी आती है, ऑक्शन फ़ी आती है, ट्रांसपोर्ट आती है, तो ये कार आज जापान में टोटल 1437580 येन की आज ऑक्शन में सेल हुई है। तो इसकी जापान की प्राइस को मैंने US डॉलर में, पाकिस्तान रुपी में, इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये कार आपके मुल्क की करेंसी में जापान में कितने की है। तो नाज़रीन ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको हो सके तो शेयर और लाइक ज़रूर करें, और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।